देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस पंद्रह के शून्य ए व बी हो तो ए बी का मान होगा। तो इसका आंसर है वो माइनस पंद्रह है, परंतु ये कैसे आएगा वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गणित के अंदर अगर रटोगे तो आपके काम सेट नहीं होगा। आपको हमेशा कंसेप्ट क्लियर ही करना पड़ेगा, तभी आप नंबर है वो ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं, बहुपद दे रखा हो और आपको शून्य दे रखे हों, या तो पूछेगा ए बी या पूछेगा ए प्लस बी, या फिर देखिए शून्य अल्फा और बीटा के रूप में आते हैं, आपको पूछा जाएगा अल्फा बीटा या अल्फा प्लस बीटा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको देखिए क्या तरीका है। सबसे पहले तो आपको बहुपद देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस पंद्रह, तो क्या है ये मैं लिख लेता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स और माइनस पंद्रह, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको ये व्यापक जो द्विघात बहुपद है उससे उसकी तुलना करना है। तुलना करने के लिए देखिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक व्यापक द्विघात बहुपद है। अब आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो शून्य होते हैं उन शून्यकों का जो गुणा है, शून्य जैसे मान लो यहाँ ए और बी लिया है, तो ए और जो बी है इसका गुणनफल होता है हमेशा सी बट्टा ए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार शून्यकों का जो योग है, देखिए वो भी बता देता हूँ, ए प्लस बी अगर पूछे तो होता है माइनस बी बट्टा ए। अब इसका मतलब क्या है वो आपको यहाँ समझ में आएगा। देखिए ए और बी, ए बी का मतलब होता है शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल होता है सी बट्टा ए। तो यहाँ से तुलना करना है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो ए है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, कुछ नहीं है, यानी एक है। क्या है, एक। यहाँ पे देखिए एक्स का जो गुणांक है वो क्या है, बी, तो यहाँ एक्स के आगे क्या है, माइनस दो, यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ए तो है मेरे पास, यहाँ क्या है, एक। बी एक्स का गुणांक, यानी कि x का गुणांक यहाँ क्या है, माइनस दो, तो b बराबर माइनस दो। c यानी अचर पद जिसके साथ में कोई x नहीं है वो, तो यहाँ अचर पद क्या है, माइनस का पंद्रह। हमेशा ध्यान रखना है जब भी कोई बहुपद माइनस है तो साथ में माइनस बोलना है, तो c है वो क्या है, माइनस पंद्रह। अब देखो मैंने क्या बताया आपको कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या होता है, c बट्टा a। तो यहाँ से ए बी आपको पूछा है, देखिए इस प्रश्न के अंदर क्या पूछा है, ए और बी, तो ए बी का मान क्या होगा, ए बी बराबर होगा सी बट्टा ए। तो यहाँ से सी का मान कितना है, माइनस पंद्रह, तो यहाँ लिखूंगा मैं ऊपर माइनस पंद्रह। ए का मान कितना है, एक, तो माइनस पंद्रह बट्टा एक, यानी कि जब माइनस पंद्रह में एक का भाग देंगे तो क्या आएगा, माइनस का पंद्रह। तो उत्तर आ गया हमारा ब माइनस पंद्रह। अब देखो यहाँ पे बहुपद है वो परीक्षा के अंदर कोई भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं यही आए, तो आपको ये कंसेप्ट है वो याद रखना है, तभी आप कर पाएंगे।